नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर आप सभी के बीच में लाइव एंड एक्सक्लूसिव। हिमाचल प्रदेश में जो ताज़ा बारिश हुई है उससे सभी जगह हम कहें तो लोग डर के साए में जी रहे हैं। और प्रदेश सरकार की यदि हम बात करें तो इस समय पर हमारे बीच में वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच में मौजूद है, हेल्थ मिनिस्टर और बहुत सी मिनिस्ट्री जिनके पास है। डॉक्टर कर्नल धनराम शांडली हमारे साथ मौजूद है। सर, सोलन का आप जगह जगह जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, क्या हालत सोलन की है, क्या सोलन वासियों को आप यहां पर मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत 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 धन्यवाद आपने बुलाया। इनफैक्ट पिछले लगभग दो दिनों से जो हम देख रहे हैं वो इस शताब्दी की, मैं समझता हूँ 50 वर्षों में कभी ऐसी त्रासदी नहीं देखी जिसमें इतनी वर्षा हुई हो और इस प्रकार से नुकसान हुआ हो। जान माल का भी नुकसान काफ़ी हुआ है, तो आंकड़े भी आपको बाद में दे दिए जाएंगे। इनफैक्ट हम उन्हें ही ज़्यादा देख रहे थे कि सारे ही हिमाचल प्रदेश में, खासकर मुझे स्वयं एक मीटिंग लेनी पड़ी जिसमें सभी डॉक्टर्स और नर्सेज और खासकर अधिकारियों की छुट्टी को कैंसिल करना पड़ा और तैनात करना पड़ा। लोग बहुत से ऐसे केसेस आ रहे थे खासकर मंडी कुल्लू और उस क्षेत्र के, और इसीलिए मैं बल्कि एक आध दिन लेट भी हो गया आने में, कोहरे हो। दूसरी बात थी कि मुझे देहरादून पहुंचना था चिंतन शिविर में, तो मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मुझे मैसेज करना पड़ा और कहना पड़ा उनको और अपने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी जो उत्तराखंड के, कि मैं चिंतन शिविर में नहीं आ सकता। हमारी स्टेट इस वक्त बहुत ही ऐसे समय से गुजर रही है कि जो इस, मैं समझता 50 वर्ष में ऐसा कभी हाल नहीं देखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था, 14 और 15 कल हमारी मूवमेंट थी। तो मैं जहाँ तक सोलन का सवाल है, नो डाउट कि देवी देवताओं की मेहरबानी से शायद मेरे पास कोई ऐसी किसी की डेथ की खबर नहीं आई, परंतु जान और दूसरी खासकर माल का, जो हमारी प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ नो डाउट, और कुछ एक गाड़ियाँ तो बही भी हैं इस इलाके में, परवानों के क्षेत्र में। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अभी हमें शांति जाना, लेकिन उससे पहले हम जहाँ जहाँ देखा है जो है लावी घाट में, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा कि ह्यूज स्टोन आ गया ऊपर से। और देखिए, कुछ ऐसी कृपा मैं समझता हूँ कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इतनी थाउजेंड ऑफ टन वेरी बिग बोल्डर, और ये अगर चला जाता तो आपकी गौशालाएं और लोगों के रहने के मकान और जो नया किस्म का बना सभी ध्वस्त हो जाते, परंतु एक जगह पर रुक गया प्रोबेबली किसी पोल से और किसी बाथरूम छोटा सा किसी सहारे से टिक गया हो। और इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि और जगह भी, खासकर इस क्षेत्र में जहाँ हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली किसी ने ऊपर बीच में न जाने किस परमिशन से घर बनाने शुरू कर दिए, जिसे हम चाहेंगे कि ये इमीडिएटली काम बंद हो, क्योंकि ऐसा क्षेत्र जहाँ नीचे इतने लोग रह रहे हैं उसके ऊपर अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन होती रही और ऐसी बारिश दोबारा आ जाए तो ये क्षेत्र भी उसमें आ सकता है। और रियली स्पीकिंग लोग भी डर के साए में सोए भी हैं। जी सर, जो लोग अभी जिनके घर खाली करवा दिए गए, अगर शांति की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा पैच जो है वहाँ बहुत बड़ी दरार आ गई है, जिनको खाली करवाया गया है उनका क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, अधिकारियों को क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए? हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दो मेन अधिकारी, 4:30 के बाद मैं भी बात करूंगा उनसे, देखेंगे कि किस प्रकार से उस भूमि की रक्षा हो सकती है और उनके सॉर्ट ऑफ अधिकारिक और उनके सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल व्यू लेके उसको हम फिर करना चाहेंगे, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि वहाँ पे उस इलाके में जो इवैक्यूएट किए हैं उनको ठीक ठाक से रखें और जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो ठीक तरीके के जियोलॉजिकल सर्वे वालों से लेकर ही हम आगे का काम करेंगे ताकि जान माल का नुकसान रोका जा सके। वो सच में मैं अभी जा ही रहा हूँ वहाँ पे, इनफैक्ट आई वांट टू सी, आई लाइक टू सी द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन माई सेल्फ। बात ठीक कही आपने, हम उस वहाँ पे उसका नज़दीक से देखेंगे और प्रशासनिक तरीके से जो भी जरूरी होगा वो करने का पूरा प्रबंध करेंगे। सर, कोई ऐसी जानकारी कि कोई कहीं फंसा हो सोलन ज़िले की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस तरह की जानकारी है, या सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है जो जहां पर? वैसे मुझे जो जानकारी सवेरे की मिली, मैं वो कह रहे थे कि शायद चक्की मोड़ के आगे के लोग कहीं नहीं आ रहे हैं,
तो जैसे हमारी स्वयं की हेल्थ सेक्रेटरी भी शायद चंडीगढ़ से उस रास्ते पे हैं, तो मैंने उनको कहा कि हम ट्रांसशिपमेंट करा देंगे, थोड़ी देर आप रुको एक या दो घंटे। अगर मैंने एक्सएन साहब से बात की, चीफ इन साहब को कहा कि उस रास्ते को खोलने का प्रयास किया जाए, अगर दो घंटे में नहीं खुलता, वही एक इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जो नेशनल हाईवे तो हमारे कंडा घाट से चायल और जो आपका कंडा घाट से आगे वाकना घाट से आगे को जाता रास्ता एयरपोर्ट या सुबातू की तरफ सभी तक सवेरे तक खुल गए हैं। 8:30 जो खबर दी है। आज का आपका दौरा कहां कहां पर आप जाने वाले हैं? सुबह से ही आज देवघाट अभी पहुंचे हुए हैं और देवघाट ये जो वार्ड नंबर 1 है यहां पर देखा जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद कहां कहां पर जाएंगे सर? इससे पहले मुझे लवी घाट ले गए थे, उसके बाद एक दो जगह और जो हाँ छोटी छोटी हर स्थान 8-10 प्लेसेज आर देयर जहां मुझे पर्सनली जाना है और देखना कि जब ऐसे इंतजाम जो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं इवैक्यूएट करना या कैसे उनको करना, उनको देखना चाहूँगा। एक यहाँ शिमलेज में भी लोग अभी आए हैं, शिलड़ी में भी कुछ जाना है, इसके एक थून आफ्टर भी देखना है। कुछ एक नुकसान ज़्यादा हुए हैं। मेन थिंग है कि जहाँ जहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन हुई है या माइनिंग हुई है, उन लोगों की वजह से ये जो सीपेज है और बढ़ा है। इन चीज़ों पे दोनों पे हम लोगों को अंकुश लगाना पड़ेगा, माइनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। एनी कंस्ट्रक्शन तभी हो अगर कोई बहुत ज़रूरी समझा जाए। ये जो धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन होने का और माइनिंग का ऑपरेशन हमें बंद करना होगा, इससे एक्शन लिया जाए, ये कैबिनेट में जाएगा मामला। मैंने इसके पेपर भी बना लिए हैं। वी विल नॉट स्टॉप दिस इररिस्पॉन्सिबल माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एक्टिविटी, बिकॉज से हमारा प्लेनेट ही बुरा उस पर आ गया है। मैं तो कई बार एल गोर को कोट करता हूँ, जिन्होंने दोनों हाउस को एड्रेस किया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और बहुत बड़े अच्छा उनको ज्ञान है इस बात पे। वो कहते हैं कि हर बच्चे को अगर कम से कम जीवन काल में 1000 वृक्ष बनाने का संकल्प लिया जाए कि अपने जीवन काल में 1000 वृक्ष लगे, तब आपका प्लेनेट बचेगा। तो मैं समझता हूँ हमें कंस्ट्रक्शन रोकनी चाहिए, माइनिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई करनी नहीं चाहिए, और तब जाकर मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की, हमारे खास इस देवभूमि की रक्षा हो सकती है, ऐसा मेरा मानना। क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस त्रासदी विपदा की घड़ी में प्रदेश की जनता को, सोलन की जनता? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वो इकट्ठे हों और उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो शांति से बैठकर करें, क्योंकि ज़्यादा जोर जोर कर बोलने से या ज़्यादा शोर मचाने से कुछ चीज़ों का समाधान नहीं निकलता। आराम से देखें जिस जिस जगह में जो जरूरी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सेना में होता है, जैसे आप लोग आराम से हम बात कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई ऐसी त्रासदी हो जैसे वो आ रही हो या किसी प्रकार की बर्फ़ आ रही हो या कोई और घटना हो रही हो, तो वहाँ हमेशा अदरवाइज आओ एक नाइट ड्यूटी में होता। मैं चाहूँगा कि इन क्षेत्रों में जब तक ऐसा हाल है, एक 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 परिवार के एक आदमी बारी बारी से कोई 4 घंटे तक रहे, कोई 6 घंटे तक एक आदमी जागता रहना चाहिए, ताकि रात को और दिन को ऐसे गैर टाइम पर कुछ देखें। और जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को आराम से बैठकर अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस करनी चाहिए, मेरे पास लाएं, निगम के पास लाएं, डीसी साहब को दें, जैसे एसडीएम साहब हमारे साथ घूमे, सारे अफसर हमारे साथ। मैं 4:30 सारे नेशनल हेल्प जितने भी सीनियर हैं उनको बुला रहा हूँ रेस्ट हाउस में, और जितने यहाँ के जिम्मेवार जो जो भी लोग हैं वो सब 4 बजे आएंगे, उनको निर्देश दिए जाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में कृपा करके लोगों की सेफ्टी की तरफ ध्यान दें और जो इरेगुलर जो जो भी जहाँ कंस्ट्रक्शन चली वो स्टॉप कर दिया जाए इमीडिएटली। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडल जी मौजूद थे, जिनका कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इस समय पर सोलन में या पूरे प्रदेश भर में चल रही है उसे तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा और क्विक एक्शन इस पर लिया जाएगा। फिलहाल आपको तस्वीरें यहां से दिखा देना चाहेंगे, देवघाट में इस समय पर हम मौजूद हैं और यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं मंत्री जी के पास और अपनी समस्याएं कह रहे हैं कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम्स और दिक्कतें उन्हें यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं ये इस एक तरह से पहाड़ी या कहे सड़क का जो है वो पूरा सर्वेक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं या कौन कौन से ऐसे घर हैं जिनको इवैक्यूएट जो है वो तुरंत प्रभाव पर किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे में खतरा तब ज़्यादा हो जाता है जब मौसम साफ हो जाए और धूप पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि मिट्टी जो है वो थोड़ा हम कह सकते हैं कि भाई उसमें जो एक क्षमता रहती है साथ रहने की वो कम हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं सोलन शहर का पूरा नज़ारा, यदि हम शांति वाले पैच की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है और वहाँ पर भी अभी थोड़ी देर में जो मंत्री है वो निरीक्षण करने जाएंगे, देखेंगे कि किस तरह की पूरी चीज़ें हैं।
और अभी यदि हम प्रशासन की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर ये आपको ज़रूर बता देना चाहेंगे कि ये कहा गया है कि भाई जल्द से जल्द इवैक्यूएट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। मैं यहाँ पर कोशिश ये भी ज़रूर करना चाहूँगा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी यहाँ पर बात की जाए और जाना जाए कि क्या हाल है और किस तरह की इस समय पर पूरी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें अभी आप सोलन से हमारे बीच में यहाँ पर देख रहे हैं। Thank you.